पूंजीवाद या कहें कैपिटलिज्म वास्तव में किसी विचारधारा का नाम नहीं है। ये समाज पर थोपा नहीं गया है, बल्कि ये एक स्वाभाविक विकास है। साम्यवाद या समाजवाद की तरह जो विचारधाराएं हैं वे समाज पर लादी जाती है, परंतु पूंजीवाद अपने आप में उभरा है। दिलचस्प बात यह है कि पूंजीवाद शब्द को उसके विरोधियों ने गढ़ा है, साम्यवादी और समाजवादियों ने। पूंजीवाद स्वतंत्रता की स्थिति है। पूंजीवाद एक वाद नहीं है, ये एक स्वाभाविक घटना है जो अपने आप में आई है। यहाँ कोई पूंजीवाद दार्शनिक नहीं है, कोई पूंजीवाद पार्टी नहीं है, ना ही कोई पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है जिसे लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया हो। ये एक विकास है। पूंजीवाद एक स्वतंत्रता की स्थिति है जहां व्यक्ति को खुद होने की अनुमति है। लेकिन पूंजीवाद एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि केवल कुछ ही लोग संपत्ति बनाने में सक्षम है और उन्होंने अन्यों में बड़ी ईर्ष्या पैदा कर दी है। वे जो संपत्ति नहीं बना सकते वे ईर्ष्या करते हैं और ऐसे लोग अधिक हैं। कल्पना कीजिए, अगर समाज कवियों द्वारा शासित होता तो लोग कविता पर नाराज होते, क्योंकि केवल कुछ ही लोग कविता बना सकते हैं। एक शेक्सपियर, एक मिल्टन, एक कालिदास, एक रविंद्रनाथ, केवल बहुत कम लोग ही कविता बना सकते हैं और वह ही शासक होंगे। लेकिन उन 99% लोगों का क्या, जो पूरी तरह से अनक्रिएटिव हैं, वे बहुत नाराज होंगे। पूंजीवाद के साथ भी यही स्थिति है, केवल कुछ ही लोग संपत्ति बनाने में सक्षम है। ये एक सृजनात्मकता का आयाम है। हर कोई एक टाटा, एक फोर्ड या एक रॉकफेलर नहीं हो सकता, लेकिन अपनी ईर्ष्या को समझना और उससे मुक्त होना ही साधना है। अपनी ईर्ष्याओं को समझना तुम्हें अपनी सृजनात्मकता के आयाम को खोजने में अत्यधिक मदद करेगा। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षमता के साथ पैदा हो, लेकिन ये समान नहीं होती, और ये अच्छा है कि ये समान नहीं है। अगर हर कोई एक शेक्सपियर होता तो साहित्य का सारा आनंद खो जाता। हर व्यक्ति को खुद होना है और पूंजीवाद तुम्हें खुद होने की संभावना देता है। निश्चित रूप से तुम्हें अपनी प्रतिभा सिद्ध करनी होगी, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें सृजन करना होगा, तुम्हें अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एक केंद्र में लाना होगा, लेकिन केवल तभी तुम अपनी पूरी क्षमता से चमक सकते हो। पूंजीवाद मूल रूप से व्यक्तिवाद है। ये कोई सामाजिक संरचना नहीं है, ये उससे अधिक है। ये केवल लोकतंत्र और स्वतंत्रता है। लेकिन जब तुम हर किसी को खुद होने की अनुमति देते हो, निश्चित रूप से तुम्हें ईर्ष्या महसूस होगी, क्योंकि तुम केवल एक चीज हो सकते हो और बहुत से लोग अन्य चीजें हो सकते हैं। कोई कवि होगा, कोई मूर्तिकार होगा, कोई उपन्यासकार होगा, कोई संगीतकार, नर्तक, वास्तुकार या शायद एक वैज्ञानिक। व्यक्ति को अपने भीतर देखना चाहिए और अपनी क्षमता की खोज करनी चाहिए। और पूंजीवाद तुम्हें खुद होने की स्वतंत्रता देता है, इसलिए ये बुरा नहीं है। ये आर्थिक समर्थन की बात नहीं है, इसमें बहुत कुछ शामिल है। पूंजीवाद अपने आप में एक विशेष प्रकार का समाजवाद लेकर आएगा, जो कि एक उत्पाद के रूप में होगा। क्योंकि जब लोग अत्यधिक संपत्ति बना लेंगे तो वह उसका क्या करेंगे? आप संपत्ति बना लेने के बाद उसका क्या करेंगे? कुछ लोग संपत्ति बनाएंगे, लेकिन वे संपत्ति बनाने के रहस्यों को प्रकट करेंगे। जल्दी ही पूरे समाज को इससे लाभ होगा। एक वास्तविक समाजवाद पूंजीवाद के कारण आएगा। जब अत्यधिक संपत्ति बनाई जा चुकी होगी, लोग इतने लालची नहीं होंगे। लालच केवल इसलिए उठता है क्योंकि संपत्ति बहुत कम है, और एक ऐसा समाज संभव है जो लालची ना हो। लेकिन वह संभव है ना कि समाजवाद के माध्यम से, बल्कि पूंजीवाद के विकास के माध्यम से, स्वतंत्रता के विकास के माध्यम से। प्रतिभाशाली लोगों को कुछ भी सृजन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कविता, संपत्ति, संगीत, जो कुछ भी वे सृजन कर सकते हैं उन्हें सृजन करने दें, और उनकी सृजनात्मकता समाज को उच्च स्तरों तक उठाएगी। पूंजीवाद शुद्ध स्वतंत्रता है। अगर हम अपनी आंख गहरी कर सकें और देख सकें क्या हमारे जीवन को असली अर्थों में समर्थन करता है, एक गहराई देता है, तो हमें इस भाव के साथ एक नया दृष्टिकोण मिलता है, एक गहराई देता है जिससे जीवन असली समृद्धि की ऊंचाई छूता है। प्रणाम।